खाते हैं आइसक्रीम। तो ये कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। कल ले जाऊंगी ना रिद्धू को। कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से ना, तो यहाँ पर ऐसे लोग नहीं रहते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज की ब्लॉग वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और इस जगह से। आज ना मैंने नया जगह ढूंढ लिया अपना वीडियो शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यहीं पे हस्बैंड जी काम कर रहे ना, तो मैं यहाँ पे बैठी थी। तो वहाँ पे रहे हस्बैंड जी, और ना अभी हम यहाँ पे पानी दे रहे हैं। बस हमारा ये लास्ट पेड़ रह गया, फिर इसके बाद ना हम स्टेप जाएंगे। तो आप सभी को आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज कितना अच्छा बादल निकला हुआ है, देख सकते हो आप सभी भी। तो जंगली गुलाब का फूल भी सारा सूख गया, मुरझा गए, कलर भी चले गए। तो अभी तक ना बच्चे भी नहीं उठे थे। हम सुबह उठ के मैं वीडियो अपलोड करके भी आ गई थी, और हस्बैंड जी के साथ ना नीचे बगीचे पे भी आ गई थी, और सुबह का नाश्ता भी बना दिया था, और रियोरिदम सोए थे। अब जाती हूँ और रियोरिदम को देखती हूँ। तो सुबह का ना कुछ भी काम नहीं हुआ है, बच्चे सोए थे ना। रिहो, तो बच्चे भी उठ के कब के पड़ गए। इधर आओ, लेट क्यों उठे तुम दोनों? नमस्ते रिद्धू, मिलिए रिदम से। आज इतने देर तक क्यों सोया था? तो बच्चे भी उठ गए हैं, अब बच्चे हाथ मुंह धोएंगे, फिर ना हम नाश्ता करेंगे। तो आज नाश्ते पे बनाया मैंने रोटी। तो हस्बैंड जी का ना बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाता है, आज फिर से ना जाली बंद हो गया है। तो आप आओगे ना तभी नाश्ता करेंगे ना, जल्दी आना। हाँ, तो नाश्ता करके जाओ, बना हुआ है ना। ठीक है, लूट लाती हूँ। तो आज ना हमारा लास्ट नाश्ता है, हमारे घर पे आटा खत्म हो गया, क्योंकि ना हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ना इसलिए। तो मजाक कर रही हूँ, इस बार ना बहुत ज्यादा सामान हो गया था जब व्यू को लेकर आए थे, तो ना हम कम ही आटा लाए थे, 5 किलो। ब्रश कर लो रियू रिदम, फिर कर लेना नाश्ता ना। लो जो पानी लगाने जा ही रहा था, तो भाई का कॉल आ गया। तो आज जो है ना मालिक वगैरह कहाँ से जा रहे हैं भाई लोग ना, तो सिलेंडर भर के लाते हैं, तो सिलेंडर भी लेके जाता हूँ। तो अच्छा हुआ टाइम से कॉल आ गया, नहीं तो मैं तो पार पहुंच जाना था, और आज भी रह जाना था सिलेंडर। तो यहाँ पर ना सिलेंडर भरने के लिए बहुत दिक्कत होता है, जैसा कि आप सभी को बताया भी है। यहाँ गाँव पे जो है ना मिलता तो है, लेकिन महंगा मिलेगा। जो रेट ऊपर बाजार में मिलता है ना, उससे 300-400 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे ना, तो इसलिए ऊपर से भरवाते हम काजा से। पूजा खुश हो गई, सिलेंडर आ जाएगा आज। हाँ जल्दी करो, वो निकल रही है, बोलो। आज भी सिलेंडर आ जाएगा। हाँ सिलेंडर आ जाएगा, शाम का खाना बनाएंगे हम सिलेंडर पे। पक्का ना काजे पे सिलेंडर तो मिल जाएगा ना? पर से काजे ट्रक काजे लेके काजे नहीं बैठा। हाँ जितना बोले थे ना हम एक सिलेंडर। लो फोन। तो हालत हो गई खराब, जहाँ 20 मिनट लगते थे मैं 7 या 8 मिनट में पहुँच गया। ये चढ़ाई है ना जो बहुत खतरनाक है, एक तो ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, और अब सिलेंडर यहाँ रख दूँगा, कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से ना। तो यहाँ पर ऐसे लोग नहीं रहते, तो अगर यहाँ पर रखूँगा ना मैं 4-5 दिन भी यहाँ रहेगा ना, तो ये कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से। भाई वगैरह आएंगे और ले जाएंगे। अब चलते हैं पानी खोलने के लिए, फटाफट जाऊँगा पानी खोल के आऊँगा। और यहाँ आज भी निकाल रहे पत्थर, आज छोटा भाई नहीं आया, आज बड़े भाई आए हैं। और ये देखिए, ये इस पे जाने में इतना मस्त मजा आता है ना, स्लाइड। तो रिया और मैं हो गए हैं तैयार। तो रिया और मैं ना साबुत जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना घर का सामान ले आते हैं। तो रिदम और हस्बैंड जी बैठेंगे आज बगीचे पे। आज रिदम को नहीं ले जा रही, तो रिद्धू ना नाराज होकर बैठा है मेरे साथ। कल ले जाऊंगी ना रिद्धू को, मम्मा चीजें ला देंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, बाय कर दो अब दीदी मम्मा को अच्छे से। तो रिद्धू को भी ले जाना था ना, तो हमें गाड़ी भी नहीं मिलेगी, और बहुत ही तेज धूप है, तो चलने पे मुश्किल होगा। तो हम फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे। रिहू चलो। तो रिद्धू हमेशा जाता था ना मम्मी के साथ, तो आज नहीं गया, तो उदास बैठा बेचारा, वहां से देख रहा है पार्क को। Oh, oh, oh.
तो डुगू भी जो है ना दो दिन से बांध के रखा था हम लोगों ने, क्योंकि मटर के बीज में जा रहा है ना तो मटर गिरा रहा था, इसलिए हमने बांध के रख दिया था। इसको खोलते हैं एक घड़ी ना, मतलब छोड़ेंगे तो नहीं, इसको अपने साथ साथ उधर ले जाते हैं, पेड़ की छांव में बैठेगा। खुश हो गया डुगू है डिग, तो मटर तोड़ता है, शरारती करता है, तभी रखा हुआ ऐसे। बेचारा पानी पी रहा है, तो पानी तो रखते हैं हम इसके पास ना। डुगू का आ रहा है गुस्सा, तो ये लकड़ी भी चबा रहा है। तो आज रिद्धू भी डुगू के साथ खेल रहा है। अब पूजा और रिया का टाइम भी हो चुका है आने का, भर लेते हैं नदी से ठंडा ठंडा पानी। तो इन पत्थरों में पैर रखना भी डेंजर ही है, एकदम से उलट गया ना तो सीधे ही नीचे है पानी में। तो रिदम को डर लग रहा होगा अकेले, तो ये भी पहुंच गया। हाँ आने वाले होंगे, पहुंचने वाले होंगे। चल 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 चल, तौलिया भर गया होगा। ओ देख रिदु, मम्मा आगे देख, ओ देख पार। तो पूजा लोग भी पहुंच गए। हाँ अच्छा, सीढ़ी से आगे मत जाइयो, ठीक है? जा सीढ़ी से आगे नहीं जाना, ठीक है? अभी आने दे पार से, वहां तक आने दे मम्मा को, तब जाना, ठीक है? और यहाँ देखिए ये बादल कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीले आसमान में। तो ये जो आप देखते हैं ना हमारी वीडियोस में, ये नीला आसमान जो देखते हैं ना, तो ये कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो ऐसा ही नीला रहता है यहाँ पर आसमान, देखिए कैसा लगा। तो अब जाकर पहुंचे हम, बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गंदा, ऊपर से ना साबोहन जे ताबो ब्रिज ना रिपेयर कर रहे, बिल्ड उधर ना वेल्डिंग कर रहे, तो आज ना गाड़ी भी नहीं मिला, और धूप पे ना जाकर हम घर पहुंचे, और लाज जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। अब तो गर्मी पे ताबो नहीं जाऊंगी। तो आज का हमारा लंच ना मैं बाहर से लेकर आई, क्योंकि ना रिया दो दिन के बाद जाने वाली, तो हमारा लंच चौमेन। हमारा लंच भी हो गया है, और लंच करके ना हम फिर से आ गए स्टेप पे पानी देने। तो अश्विन जी पानी देंगे, और ना मैं कपड़े धोऊंगी और बर्तन भी धोने के लिए लाई हूँ। रियू के अब रियू जाने वाली है, 28 तारीख को चल जाएगी, तो रियू के ना ड्रेस वगैरह स्कूल के बैग वगैरह धोने हैं ताकि सूख जाए। और आज ना मेरे सारे बर्तन की धुलाई हो जाएगी, आज क्योंकि सिलेंडर आ रहा है मेरे घर पे, आज मेरे सारे बर्तन चमक जाएंगे और दिखाऊंगी आप सभी को। तो सबसे पहले करती हूँ कपड़े धोना शुरू। लगता है बारात जा रही है। रिद्धू ने देखा क्या था? ढोलक चले गया। तो बेचारी जा रही थी, तो बोल रही थी मम्मा एक बारी तरबूज खिला दो, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। तब रिया के लिए लाए तरबूज, और हस्बैंड जी ने काट दिया टेड्डा, क्योंकि तरबूज ऐसे उठा के लाई हूँ। ढंग से बैठ के खाओ रिद्धू, सीधा बैठ के खाओ। मीठा तो रियू ने ऐसे करके खाती है। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं, अब जाकर ना मैं अपने काले बर्तन की धुलाई करूंगी अच्छे से। तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ आज, ऐसा होता है ना चलती हूँ ना मैं ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा थकान लगता है, लेकिन बर्तन धोना है, सिलेंडर आने की खुशी पे सारे बर्तन चमकाऊंगी। तो आज ना मैं जाली लेने भी भूल गई बर्तन धोने वाले ना, तो देखती हूँ कैसे साफ करती हूँ काले बर्तन को। दोनों कुकर ना मेरे काले हुए हैं। सिलेंडर आ गया है, तो पूजा की खुशी। भाई सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी रात को भी बाहर खाना बनाना पड़ता है बिना टॉर्च के। तो हस्बैंड जी जा रहे सिलेंडर लेने, मैं जाऊंगी नीचे पानी देखने, तो अंकल से ना सिलेंडर का रेट पूछ लेना ना। लो सिलेंडर जो है ना पहुंच गया है,
तो पूजा बहुत ही खुश हो गई है। तो मतलब ऐसा होता है ना, पूजा मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा ना, तो दिन भर काम भी करना, खाना भी बनाना, धूप में ऐसे धूप में ना बहुत ही मुश्किल होता था बेचारी को। तो आज जो है सिलेंडर आ गया है, बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पर अंकल जी भी लगे हैं काम पे। क्या कर रहे हैं आप पेड़ के नीचे बैठ के? चले गए भाई वगैरह आगे स्कॉर्पियो, और ये सिलेंडर तो आ गया है। बड़ा सिलेंडर है और काफ़ी भारी है, तो आराम से ले जाना पड़ेगा। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, सिलेंडर बहुत ही भारी था तो नॉन स्टॉप लेके आया बाहर से। यहाँ बेटी देख रही है, थक गया रही हूँ। तो पूजा गई है नीचे पानी देने, तो आकर देखी कि सिलेंडर खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर रिया दे रही है पानी। तो रिदम जो है ना ज्यादातर भूखा ही सोता है रात को ना, खाना बनते बनते लेट हो जाता है। पर खूब बहुत होता हूं। हर मम्मी ने देख लिया था, सभी सो गए अंदर। अब मम्मी अंदर आ गए, सब लोग सोने से मन नहीं कर रहा। मैं बनाऊंगा आज का खाना। क्या बात होती है इसमें कुछ होने का? सुन कर भी तो आए बाबा भाई, नहीं कितनी गंदी करके दो तू बनाती है खाना। कितनी गंदी, तो खुशी नहीं है रे। तू बनाती रात को बाहर खाना और दिन को धूप पे भी। तो मेरी बेटी रिया बोल रही है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरे लिए ना बहुत ही बड़ी बात है। तो दिन को बाहर खाना बनाना ना काम के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। आखिर बाग में मेरा कोई काम नहीं था, तो कोई नहीं, मैं चूल्हे पे बाहर खाना बना लेना था मैंने। तो जैसे कि खेतों का काम भी होता है ना, तो रात को कभी बहुत ही ज्यादा लेट हो जाते, इसलिए मुश्किल था। तो माँ जी नमस्ते। तो आपने बोला था ना चूल्हे पे लिपाई करना, तो यहाँ पे ना चूल्हे लिपाई करने के लिए ना मिट्टी नहीं मिलती है। तो ये भी चूल्हा ना मैंने थोड़ा बहुत खोद खोद के निकाला था, जब ये घर बनाते समय ना गाँव से मिट्टी मंगाया था। आखिर मिट्टी लेना होगा तो काफी दूर जाना पड़ता है, और ज्यादा से ना यहाँ पे आप सभी को पता है ना, मतलब पत्थर और बजरी टाइप की मिट्टी होती है रेत जैसे ना, तो मैंने चूल्हा भी लिपाई नहीं किया था। देखो तो उन्होंने कितना सफाई करके रख दिया है। शाबाश। तो आज ना मैंने सफाई भी नहीं किया था, तो रिव्यू ने किया और हमारे पास भी था। आपने आपको भी शाबाश। तो चटाई नहीं है अभी हमारे पास ना, गिल्ला है वो। तो सिलेंडर आ गया, इसको ना मैं पूरा सीजन चलाऊंगी, सच पे चला लेती हूँ मैं। तो छोटा सिलेंडर ना मैं 3.5 महीने तक चलाती हूँ चूल्हे पे तार लगा लगा के। तो दिन भर का काम कर लिया है हमने और आज का हमारा काम खत्म हो गया है। तो दिन भर का काम करने के बाद ना फिर से हम शाम के टाइम पे अपने मटर के खेत पे आए मटर देखने, क्योंकि ना कीड़े बहुत ज्यादा है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो मटर दिखाती हूँ कीड़े ने खा दिए है, तो देखिए। तो हम घर पहुंच गए और ना हस्बैंड जी ने सिलेंडर भी जोड़ दिया, तो जलाती हूँ गैस। बहुत आज तो खुशी अलग है। और ना बहुत खुश है। तो सबसे पहले मीठा बनाएंगे चाय, हमेशा चाय तो पीते घर आकर। तो आज स्पेशल है ना, आज ज्यादा मीठा बनेगा। मेरा सिलेंडर आ गया। तो आज ना हमें कमेंट आए थे गीता ठाकुर जी की तरफ से और अंजू जी की तरफ से। तो ना जो कमेंट आया ना बहुत ही अच्छा, दिल को छूने वाला कमेंट आया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों के कमेंट पढ़ के। तो आपने अच्छा कमेंट किया, तो इससे ना जो है मेरा हौसला बढ़ा, सच पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो आप दोनों को ना मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही प्यार हमें बनाए रखे और अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी कमेंट करे, जिससे ना हमारे हौसला बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो ना मेरे बर्तन भी ऐसे चमक रहे हैं ना लाइट पे। तो आज ना हम ताबो इसलिए गए थे ना, पहले वैसे तो हमारे पास पहले टमाटर भी नहीं था और करेला लेकर आई हूँ। और यू के ना स्किन पे ना दाग दाग जैसे हो गए थे, तो कीड़े की दवाई लेकर आई हूँ, इसको अस्पताल ले गई थी। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।